वस्तु ठाकुर जी के अर्पित हुआ वस्तु अगर ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? मन हमारी शुद्ध रहे। देखो पुराण इधर बता, एक पुराण की कथा सुन लो, ध्यान देखो, ये कथा भी याद कर लो। बोले एक समय, जो पद्म पुराण की कथा है, बोले एक समय दो पति पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहे। जो ब्राह्मणी है बड़ी पतिव्रता लाली, पति की बड़ी सेवा करती। आपको पता होगा जो भारत में जो पतिव्रता नारी, वो कितने पति के लिए पति को ही अपना परमात्मा समझती, पति को ही अपना जीवन का सर्वस्व समझती। जो पतिव्रता नारी है अपना पति को छोड़ करके और कहीं जाती नहीं, देखती भी नहीं, पतिव्रता नारी। इसलिए वो बड़ी पतिव्रता नारी थी। पति के रोज चरण धोना, पति को आरती करना, पति के लिए भोजन बनाना, पति को भोजन करा के भोजन करना है, इसे पतिव्रता नारी का धर्म है। इसलिए पतिव्रता नारी धर्म बड़ी बड़ी ताकत है। अनुसूय का नाम सुना, जिसकी पतिव्रता में संतुष्ट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनको घर में छोटो बालक बन गए ठाकुर जी, और सती सावित्री का नाम सुन होगी, उसका पति शरीर छोड़ दिया लेकिन सावित्री सती थी, इसलिए जब महाराज को फिर उसको प्राण देना पड़ा। मतलब पतिव्रता धर्म में इतने निष्ठा है, इतने ताकत है, फिर पत्नी के लिए फिर जब महाराज को प्राण देना पड़ा पति को, मतलब इतने पतिव्रता धर्म में शक्ति है। वो बेचारी पतिव्रता नारी थी है, पतिव्रता नारी होने का नाते वो पति की बड़ी सेवा करते थे। एक दिन पति कहीं बाहर गए, अरे एक दिन नारद जी आए। जब नारद जी आए तब उन्होंने भोजन बना करके नारद जी को खिलाया। नारद जी भोजन किए, लेकिन जब नारद जी भोजन करने के बाद जब उसको देखा, उसको ललाट में तिलक नहीं, गले में तुलसी की कंठी नहीं, मतलब वो वैष्णव नहीं है। गले में कंठी तिलक मतलब क्या है? जो वैष्णव मंत्र में दीक्षा ग्रहण करते, तिलक कंठी। जब देखा जिसे वैष्णव धर्म में दीक्षित नहीं, देख करके ना उसको जो भोजन करवाया था उसने उसको सामने उल्टी कर दी। बोले मेरा तो वैष्णव धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि अधिक अदीक्षित व्यक्ति का हाथ में मेरे को भोजन करना पड़ा। इसलिए पहले जब बंगाल में जाते थे, अभी तो बंगाल में कुछ भक्त हो गए, पहले जब जाते थे बंगाल में क्या करते थे, अपना हाड़ी कढ़ा सब कुछ ले जाते थे पात्र को, क्योंकि वहां से मांस मछली खाने वाला व्यक्ति है, सभी की पात्र में भोजन नहीं कर सकते, सब खुद ले जाते थे, रसोई बनाते थे, सबको खिलाते थे, तब फिर खाते थे, नियम ये पहले था। इसलिए जब देखा उसकी ललाट में तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं, गुरु दीक्षा ग्रहण उसने नहीं की, बोले अधिक सिद्ध व्यक्ति के हाथ में उन्होंने भोजन किया है, मेरे धर्म नष्ट हो गया। उसने उसको सामने उल्टी कर दी। जब उल्टी कर दी वो तो बड़ी दुखी हो गई। घर में साधु आए, साधु सेवा के लिए मैंने इतना रोटी सब्जी चावल इतने बढ़िया चीज बनाए, और उसको बाद में उन्होंने उल्टी कर दी। बड़े दुखी हो, बोले गुरुदेव हमारी अपराध हो गया है। बोले आपने उल्टी क्यों कर दी? बोले तुमने विष्णु दीक्षा मंत्र में दीक्षित नहीं हो, गले में तुम्हारी कंठी और तिलक नहीं, अधीक्षित हाथ से भोजन करने से धर्म नष्ट हो जाते। बोले गुरुदेव फिर तो मेरे को दीक्षा मंत्र दो। बोले ठीक है, स्नान करके आओ। उसने स्नान करके आए और गुरु जी उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किया, फिर उन्होंने दो बार भोजन बनाया, फिर उनको हाथ में उन्होंने भोजन ग्रहण किया। जब भोजन ग्रहण किया बोले गुरुदेव कुछ उपदेश है? बोले देख बेटी, जो विष्णु मंत्र में कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लिए होंगे उनसे थोड़ी दूर रहना, उनसे थोड़ी दूर रहा करो। अगर तुम्हारी कोई विशेष जरूरत हो, अगर तुम बुलाने चाहोगे मेरे को बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा। बोले ठीक है, गुरु जी चले गए। अभी पति आए, वो तो पति वर्णा नारी थी, पति बड़ी सेवा करते थे, लेकिन जब वो घर में पति आए ना, पहले जैसे पास में जा करके पैर में चरण धोते थे, अभी पास में नहीं, दूर से पानी को फेंक करके भोजन उनको पास में नहीं, दूर से थाली छलका देती थी, उसको पास में सोते थे, नहीं सोते थे बाहर सो वहां पर सो, क्योंकि अभी तुमने विष्णु मंत्र में तुमने दीक्षा ग्रहण नहीं किया। गुरु जी बोले हैं जो विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं ग्रहण किया उनसे दूर रहनी चाहिए, इसलिए तुम दूर में रहा करो, अभी पास में सकती नहीं। बोले भैया मेरी पत्नी की क्या हो गई,
मेरी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता नारी थी, इतने बदल गई कैसे? बोले क्या हो गया? बोले घर में गुरु जी आए थे, मैंने भोजन कराया था, गुरु जी ने देखा मैंने दीक्षा मंत्र नहीं लिया, इसलिए उन्होंने उल्टी कर दिया। फिर मैंने गुरु जी से दीक्षा मंत्र ली, गुरु जी बोले जो अधिक शिष्ट व्यक्ति है उनसे दूर रहा करो, अभी आप विष्णु मंत्र नहीं लिया पर दूर रहना। पति बोला तो बड़े दुखी हो गया, पर इतने अच्छी पत्नी है, इतने अच्छी पत्नी अभी दूर से हर चीज मेरे को फेंक फेंक कर देती है। इतने बोले भैया क्या करनी चाहिए? बोले अगर मेरे साथ में रहना चाहते हो फिर तुमको विष्णु मंत्र में दीक्षा लेना पड़ेगा। बोले तुम्हारी गुरु जी कहाँ? बोले आप बोलोगे तो मैं याद करूंगा, तो गुरु जी बोले याद करते आ जाऊंगा। बोले गुरु जी को बुलाओ। बस इतने में नारद तो मन जाता है, उनका कहीं जाने का जरूरत नहीं, मन में सोचते ही वो प्रकट हो जाते हैं। गुरु जी को उन्होंने एक मन से पुकारे, गुरु जी मेरे पति को भी दीक्षा मंत्र तो कृपा करके आओ। बोलते ही ना झट नारद प्रकट हो गए। ये तो देख करके अक्के बकरे चक्के रह गए। बोले भा गुरु जी का स्मरण तगड़ा चमत्कार का नमस्कार। उन्होंने जब देखा गुरु जी का स्मरण करते ही गुरु जी प्रकट हो गए। बोले बाबा ताकत है, बड़े ताकत है, गुरु जी का स्मरण करते ही प्रकट हो गए। वो बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले गुरु जी हमें भी दीक्षा मंत्र प्रदान कर। बोले बेटा जा गंगा में नहा करके आओ। जब गंगा में नहाने के लिए गए वहां पर और कुछ लोग थे जो यार दोस्त थे। बोले भैया क्या बात है, तू तो थोड़ी देर पहले नहा करके गया फिर दो बार क्यों आया? बोले ऐसे ऐसे बात। बोले देख अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं, इसी समय में दीक्षा मंत्र लेना ठीक नहीं है, हैं? वो जानते हैं विष्णु मंत्र दीक्षा लेगा तो हम भी हमारे पास में जो बैठता है गप्पे मारता है मारेगा नहीं। जगत में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जगत में कुछ उल्टा पुल्टा लोग होते हैं ना, भजन तो करेंगे नहीं और दूसरों को भजन करने देंगे कि नहीं। अगर कोई गले में कंठी तिलक बोली इतना बड़े बड़े तिलक लगाने का क्या जरूरत है? दुनिया को दिखाने का जरूरत है कि गले में सब कंठी पहनने का क्या जरूरत है? खुद भजन करेंगे नहीं और दूसरों को भी, प्रपंच लोग है ना वो करेंगे नहीं, दूसरों को भी भजन करने नहीं देंगे। इसलिए वो प्रपंच बोले अभी क्या जरूरत है, कुछ दिन रुक जा। अब देखना जो संघ है ना, वो संघ का इतना प्रभाव है, इतने प्रभाव है। एक बिल्डिंग बनाने में कितना दिन लगता है? तोड़ने में एक दिन में तोड़ दो। ये भक्ति रूपी महल बनाने में कितना कष्ट जो कर रहे हैं उनको पता है। असत्संग से दूर रह करके, सत्संग में रह करके, हरिनाम करके जीवन को बनाना कितने कठिन है। लेकिन उसको अगर सत्यानाश करने जाओ एक दुष्ट व्यक्ति को साथ मिल जाओ, अरे क्या दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहो, कोई काम धाम नहीं। ले मांस खा, मछली खा, अंडा अंडा खा, ये सब खाने का चीज भगवान बनाए, तुम खाओ नहीं क्या कर रहे हो, बेकार जीवन। देखना असत्संग कर दो सारे खत्म एक दिन। इसलिए ऐसे कुछ प्रपंच बोले अभी क्या करो, मां दीक्षा मंत्र थोड़ी रुक जा, अभी क्या दीक्षा मंत्र लोग कर रुक जा। अभी बोले ये तो सही बोल रहे। बोले कुछ दिन रुक गए, रुक गए तो कुछ दिन बाद में दोनों को मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो उनके ब्राह्मणी उनने विदर्भ देश में राजा के घर में राजकुमारी बनकर जन्म हो, क्योंकि भक्ति कभी घटती नहीं है। भक्ति इसलिए मिला करती ना दीन दीन भरत सवा, ये भक्ति कभी नहीं घटती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते भक्ति इसी जीवन में, हम जितने भक्ति की अगली जीवन में ब्याज समेत मिलेगी, कभी घटेगी नहीं भक्ति। भक्ति हर्ष में बैठती रहती है। इसलिए उसने राजकुमारी बनकर की और विश्व सुंदरी विश्व इनवर्स बनकर जन्म, सारा दुनिया उसको पाने के लिए तरसते थे, क्योंकि है भगवान भक्ति की भजन की अच्छे कर्म है। इसलिए अच्छे घर में जन्म, बड़ी सुंदरी होकर जन्म ग्रहण की, जन्म ग्रहण की तो इतने में। लेकिन उसका जो पति शंकर जी कहते हैं उस श्लोक में क्या था, पशु ज्वनिम अपनवा श्लोक है याद, विष्णु दीक्षा भी ना आजे, जो विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण नहीं करते। शंकर जी पार्वती को भी बात कह रहे हैं, जो व्यक्ति विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं ग्रहण करते हैं कहते पशु ज्वनिम अपनवार, उनको अगली जीवन में जानवर जीवन में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो शरीर है खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर टाटी पैसा का थली है। इसलिए हमारे भारत में दीक्षा मंत्र की क्यों विधान है? हमारे देश में शादी होने से पहले उसको दीक्षा मंत्र लेना ही पड़ेगा, बगैर दीक्षा मंत्र से कोई शादी नहीं कर सकते।
उसका कान में मंत्र लेने पर ही कोई व्यक्ति पवित्र होता है, नहीं तो पवित्र नहीं हो सकता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब ब्राह्मण लोग तो गोपन में संस्कार होता है, हर जाति में दीक्षा की विधान है, क्योंकि शंकर स्वयं कहते हैं कृष्ण मंत्र में जो दीक्षित नहीं अधिक जीवन में पशु जन जाना पड़ेगा, लेकिन उसने तो नारद से दीक्षा मंत्र ली नहीं, वो अगले जीवन में उसी राज्य में उसी राजा को वहां पर वो हाथी जन्म रूप से जन्म लिया, हाथी रूप में जन्म लिया। अभी लड़की की स्वयंवर सभा, स्वयंवर सभा में वो लड़की जब माला लेकर के जा रही थी, लेकिन हाथी जन्म तो हुआ लेकिन वो सफेद हाथी बन कर जन्म हुआ है, हठात उसको सामने वो हाथी देखी, उसको देख करके भक्ति की पहली जीवन में भक्ति के संस्कार है, इसलिए सामने जब हाथी को देखा उसको याद आ गया तो पूर्व जन्म मेरे पति है, लेकिन वो गुरुजी से दीक्षा मंत्र नहीं लेने का बात है, कौन सा जीवन मिला, हाथी जीवन में आए, सामने हाथी को देख करके उसने किया कि माला को लिए और माला लेकर ना सीधा हाथी की गला में डाल दिया, हाथी की गला में डाल दिया तो वहां पर बड़े बड़े राजा लोग आए थे शादी करने के लिए, जब देखा इसने हाथी की गले में माला डाली इतने बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए सबके सब उठा लगा कर ऐसे देखो देखो इतने सुंदर राजकुमारी और इतने सुंदर सुंदर राजा रहते हुए ये माला किसको गले में डाली, हाथी को गले में डाली, इतने में राजा ने पूछा बोले बेटी तुमने हाथी की गले में क्यों माला डाली, बोले पिताजी ये पूर्व जन्म में मेरे पति थे और नारद जी से मैंने दीक्षा मंत्र लिया है, होने का नाते मैं तो पवित्र हो गई, आपकी मेरी बेटी बन करके आई, लेकिन कुछ कुछ प्रपंच लोगों के चक्कर में पड़ करके दीक्षा मंत्र नहीं दिए, इसलिए इनको ये जानवर जीवन में आना पड़ा, ये मेरे पति है इसलिए गले में माला डाली, बोले बेटी अभी क्या होगा, मुझे चिंता मत करो, मेरे गुरु जी बड़े प्रभावी है, गुरु जी मेरे को बोले थे जब तुम मेरे को याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा, खैर उन्होंने भक्ति तो कभी घटेगी नहीं, खैर गुरु जी को स्मरण किया, गुरु जी को स्मरण करते नारद झटा पिता भी आश्चर्य गुरु जी का स्मरण करते गुरु जी प्रकट हो गए, चमत्कार में प्रकट हो गए आश्चर्य में, बोले गुरुदेव आपसे दीक्षा मंत्र लेने का नाता मेरे को तो ये राजकुमारी बनी और मेरे अंदर में भक्ति, लेकिन मेरे प्रभु जी पति जी आपसे मंत्र नहीं लिए ये हाथी जीवन प्राप्त किया, आप उसको कल्याण करो, जब बोले तो नारद जी इसका सर पर हाथ रखते ही वो झट उतने इंसान बन गए, इंसान बने तो नारद जी फिर उनको दीक्षा मंत्र प्रदान करते, फिर उनके चरण में गिरे, बोले गुरुदेव कृपा करो मैं दुष्ट व्यक्तियों का चक्रांत में पड़ करके मैंने दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते पशु जीवन में प्राप्त किया, अभी मेरे को दीक्षा मंत्र दो, अरे नारद जी दीक्षा मंत्र दिए, दीक्षा मंत्र दे कर उनको पवित्र किया, भजन किए, फिर दोनों ही भगवत गति को प्राप्त किया। यहाँ पर शिक्षा सी कथा बोलने का तात्पर्य है हमें जहां तहां जाकर के बाहर में नहीं खानी चाहिए, आप अक्सर करें देखना जो लोग बाहर में खाना बनाते हैं आप देख लेना नाक पोछ रहा है बह रहा है, आप देख लेना नाक पोछ रहे उसे हाथ से बना रहे, आप देखना जो बाहर का लोग टाटी पे सब करने जाते हैं आप देख लेना टाटी करने जाएंगे अपना उसी प्याट पर आधा प्याट खोल करके टाटी करेंगे, हाथ प्यार हाथ किस तरह से धो देंगे प्यार नहीं धोते उसी अवस्था में, पेशाब करने जाएंगे पानी व्यवहार नहीं करेंगे, अब देख लेना जो करते हैं, और झूठा ने दर कोई बीड़ी जा करके देखना कहीं बीड़ी पी कर आया और उसी हाथ में बनाया, अगर ऐसे व्यक्ति हाथों की व्यक्ति से अगर भोजन बाहर करेंगे बताओ बुद्धि भ्रष्ट होगा ना सही रहेगा, अब बोलो इसलिए देखना जो लोग खाते होंगे ना मंदिर में उनको बुद्धि भ्रष्ट हुआ दिखता होगा, अब देखना नजर के देखे देखना उनकी बुद्धि सब भ्रष्ट है, भजन में उनकी मन नहीं लगेगा, स्वाभाविक रूप में देख लेना उनकी भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे खाओ ना वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाओ तो मन वैसे बनेगा, इसलिए हमें कभी भी कहीं बाहर गए हुए अगर कहीं विशेष जरूरत है फिर हम देख सुन करके पवित्र रूप में ले करके फिर कृष्ण मंत्र से फिर हम उसको भोग लगाते, कृष्ण मंत्र में भोग लगा करके उस चीज को फिर ग्रहण करनी चाहिए, मजबूर में पढ़ करके वैसे जब इच्छा हुआ है पैसा थोड़ा पकेट में हो गया बुझल बजल लग गया बाहर इच्छा होगी खा कर आ जाए नहीं, और देखो मंदिर में जो पैसा आता है ना ये चीज को समझो अच्छे तरह से,
जो गुरु जी जो बोलते थे, गुरु जी बोलते थे पता है ना, उन्होंने परम गुरुदेव को समय में किसको उन्होंने भिक्षा के लिए भेजा, उसने 25 रुपया लाए। गुरु जी ने बेटा पूछा, बेटा कितना पैसा मिला, बोले 25 रुपया। लेकिन गुरु जी बोल दिया 20 रुपया, बोले और 5 रुपया किया, बोले मेरे आने जाने का खर्चा नहीं लगेगा, हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। उन्होंने क्या बोले, बोले बेटा ये पैसा नहीं जहर है, इसको तो हजम नहीं कर सकते हो, देख लेना जैसे 10 रुपया देता है एक व्यक्ति, ऐसे नहीं 10 रुपया देता तुमको, हमारे बेटी की तबीयत खराब, संसार में ये दुख कष्ट है, हाँ ये साधु बाबा को दुखा तो शरीर का दुख कष्ट खत्म हो जाएगा, हमारे बेटी की ये बीमार, बेटा का ये बीमार, पति पत्नी का ये दुख कष्ट, वो 10 रुपया नहीं, ये सारे दुख कष्ट, ये जितने सारे पाप तुमको 10 रुपया रूप में तुमको दिया है। अगर वो पैसा की सार्थकता कहा होगा, वो पैसा जब ठाकुर को सेवा में लगेगा, जब वैष्णव सेवा में लगेगा, तभी ये पैसा की सार्थकता है। अगर इसको कोई अपना सेवा में पैसा को छुपा कर रखाया, अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा। ये कुछ दिन पहले का घटना नंदगांव, वो एक साधु था, वो बाहर कुछ दिन के लिए गया था, लेकिन एक कुत्ता रोज आता था, उसको रोटी देता था। जब बाहर में गया, अब कुछ दिन बाद में आया, आया तो वो कुत्ता भोजन नहीं मिला। जब ये साधु आया घर में, दरवाजा बंद करके अंदर गए, कितने में बाहर से आवाज आ, मेरे को रोटी दे दो, मैं भूखा हूं, मेरे को रोटी दो। तो उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कोई है ही नहीं, एक कुत्ता बैठा हुआ, बोले कोई है नहीं, इंसान जैसे बात कर रहा है। फिर दरवाजा बंद किया, फिर आवाज आई, मैं भूखा हूं, मेरे को रोटी दे दो। दरवाजा खोला, कोई नहीं कुत्ता, बोले कोई है ही नहीं, ये आवाज इंसान का कैसे आता है। जब तीसरा बार दरवाजा बंद किया, फिर सुना, देखा कुत्ता बोल रहा है, बोले तू इंसान जैसे बात कर, तो क्या बात है। तो उसने बोला, उसी मंदिर का मैं महंत था, जो ठाकुर का नाम पर पैसा आता था, ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके मैंने उसको अपना आत्मसात किया, इसलिए मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। कुत्ता खुद बोला, मैंने कुत्ता बनना पड़ा, इसलिए भैया सावधान। इसलिए कहते ना साधु सावधान, दूसरों के लिए सावधान नहीं कर, साधु के लिए साधु सावधान, फिर कई तरह अवधान। दो बार कहता हूं, ठीक से सुना, ठीक से सुना। इसलिए भैया जो पैसा है ना, कभी भी पैसा अपना पास में नहीं रखना। मैंने देखा जो जो पैसा पास में रखे, वो लास्ट में शादी किए, क्योंकि पैसा जब ज्यादा हो जाए खुजली में, क्या करूंगा क्या करूंगा तो पैसा कहाँ लगाएंगे। हमने देखा लास्ट में जाकर गड्ढे में डालता डालता है, वो शादी में लास्ट नहीं, वो शादी करता ही वो पैसा लेकर शादी करवाएगा, शादी करवाएगा। इसलिए भैया जो गुरु वैष्णव के सेवा में जो चीजें आती हैं, उसको भैया कभी आपके साथ करने के लिए कोशिश मत करो, वो चीज को सचमुच से गुरु वैष्णव ठाकुर के सेवा में ही वो पैसा लगनी चाहिए, नहीं तो वो बुरा बात करेगा, ठीक है ना। अभी एकादश स्कंद की एक दो श्लोक सुन लेते हैं, हम लोग अभी एकादश स्कंद की थोड़ा कथा सुनते हैं। कहते जो एकादश स्कंद है भागवत का, कहते भागवत का 10 लक्षण है, क्या क्या लक्षण है बोलो। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान घोषण होता है करके भागवत का एकादश, भागवत का 10वां लक्षण है, लेकिन 10 लक्षण में एकादश स्कंद का लक्षण क्या है बोलो। एकादश स्कंद का क्या लक्षण है, एकादश स्कंद का जो लक्षण है मुक्ति, मतलब जो एकादश स्कंद में जो 10वां स्कंद आश्रय है, भक्तों किसको आश्रय ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी को ही आश्रय ग्रहण करते हैं। जो एकादश स्कंद में जो कथा है, जीव कैसे ये भवसागर से पार होगा, कैसे प्रभु चरण में से प्राप्त कर सकता है, कथित एकादश स्कंद है, जिसमें नैमी और नव जोगेंद्र की संवाद है। इसमें एक श्लोक है द्वितीय अध्याय में, बोले गोविंद भुज गुप्ताया द्वारा पति कुमुद बह अपासीत नारद भिक्षना कृष्ण उपासना लालस। कभी जो श्लोक है हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहीं भी ये कथा करने जाते थे, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इसी श्लोक को सबसे पहले ये श्लोक बोल करके फिर कथा को प्रारंभ करते थे।
मतलब ये श्लोक इतने महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते भैया ये श्लोक में क्या कहते हैं, कहते गोविंद भुज भूतायाम द्वारा प्रत्यागी जो द्वारका है ये भगवान को द्वारा, जैसे जैसे माँ जैसे किसी बच्चे को अपना गोद में लेकर जब सोती है क्या होता है, बच्चे निश्चित होकर सो जाता है, क्यों, माँ को द्वारा रक्षित है। इसलिए श्लोक सेकेंड चैप्टर फर्स्ट, इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते वहां पर कृष्ण दर्शन लालसा अक्सर करके नारद जी कह रहे थे बोले द्वारका में, बोले क्यों, बोले एक तो जो द्वारका है वो भगवान का निज धाम है, ठाकुर जी का निज धाम है, और जो ठाकुर जी का जो निज धाम है बोले गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम प्रज उच्चते, कहते जो धाम है गुणातीतम ये तीन गुण से अतीत ये भगवान का धाम है। अब ये धाम क्या है, बोले भगवान को द्वारा उनकी भुजों को द्वारा ये रक्षित है, और रहते थे क्यों, बोले कृष्ण दर्शन लालसा, द्वारका में कृष्ण रहते हैं इसलिए उनकी दर्शन की लालसा में रहते थे है नारद जी। अभी प्रश्न होता है पर ज्यादा करके वहां क्यों रहते थे, बोले कारण क्या, बोले कारण है इनको ऊपर में दक्ष प्रजापति का अभिशाप था, क्योंकि जिस समय दक्ष प्रजापति को भगवान ने निर्देश दिया ब्रह्मा जी ये सृष्टि को बढ़ाओ तो, तब उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 संतान को जन्म दिया, पहले मानस पुत्र होता था, मन से ही संतान को सृष्टि करते थे, इसलिए उन्होंने 10,000 बच्चों को जन्म दिया, और पहले सब के सब गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, इसलिए इनको उन्होंने गुरुकुल में भेज दिया, गुरुकुल में भेजा तो वो नारद जैसे, इनका नाम नहीं नारद मतलब क्या, नारद मतलब आसक्ति, द मतलब खंडे थी, जीव का जितने आसक्ति को ये खंडन करने वाले है, नारद जी का संग हो गया ना बस कल्याण हो गया तुम्हारा है, तुम्हारी कल्याण हो जाएगी, तुम्हारी कल्याण ही कर देगी है, क्योंकि भक्तों का संग है ना, इसलिए कहते नारद जी से पास में खुद पढ़े, पढ़ करके नियम है अंतिम समय जब जाओ गुरु दीक्षा देकर के तो गुरु दक्षिणा देकर के जानी चाहिए। अभी जब उनकी लिखाई पढ़ाई हो गई, अभी गुरु जी अंतिम कुछ उपदेश देकर के भेज रहे, बोले देख बेटा अभी तुम संसार में जा रहे हो, पहले तुम समझो ये संसार है क्या चीज, पहले ये चीज को समझो, बिना समझे अगर तुम जाओगे ना फंस जाओगे, इसलिए नारद जी ना कुछ कुट प्रश्न किया, ऐसे ऐसे प्रश्न किया जो बड़े अत्यंत अत्यंत बड़ा गंभीर प्रश्न है, हैं बड़े गंभीर प्रश्न किया, उनको प्रश्न था बताओ तो ऐसे कौन सा है कि बील है जो बील में एक बार चले जाओ तो जो बील से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, ऐसे कौन सा बील जो बील कर घुस जाओ ना निकल नहीं सकते हो, बता सकते कोई बील है क्या है, अरे बोलो ये घर गृहस्थी, ये ऐसे है कि बीक है, आप देख लेना सामने एक समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए, देखना एक समस्या हल नहीं दूसरी समस्या तुम्हारे सामने है, सोचते हैं संसार करके शादी करके बच्चे हो जाएगा तो क्या होगा, भैया निश्चित हो बच्चे हो गए फिर उसको पढ़ाई लिखाई करो, फिर उसका नौकरी चाकरी कर लो, फिर उसको शादी करवाओ, शादी से पहले तो कई सत्संग में इधर उधर चले जाते थे, लेकिन देखना बच्चे का जब शादी हो गई ना घर में बहू आ गया, पहले जो जाते थे और घर से प्यार नहीं निकल सकते, कहीं बाहर निकले तो डोकरी दिन पर घूमती रहती, कोई काम धंधा नहीं करते, अगर एक तो बच्चे हो गया तो हो गया तुम्हारी भजन भजन हो गया तुम्हारी पहले है भजन हो गया, फिर तो बहू की गाली सुनना और दिन भर नाती पोतियों को दिन भर देखते रहो, फिर ये ऐसे के भी लेना अपना मरने का पहला तक भी, मरने से पहले तक भी, इसलिए बोलते जब गृह में दि सुख में तू च कंदय रव कर रव दुखान, उदाहरण देकर बताए ये संसार का सुख कैसे है, जैसे खुजली होता है ना खुजलाने के लिए तो बढ़िया लगती है, लेकिन थोड़ी समय खुजाल दो जो जो फोन निकलेगा ना फिर तो देखना कितने समय तक वो फोन निकलते रहेगा, इसलिए जो संसार देखने में ऊपर में बड़ी सुहावना है बड़ी प्यारी लगती है, नहीं
जैसे सोने की कलसी है लेकिन हाथ प्रभाव तो चेहरे के सिवाय उसमें कुछ है नहीं, बोले तो चेहरे ही चेहरे उसके अंदर में। इसलिए रोज हम बोलते ना संसार दावा नलदीन लोक प्राणाय कारुण्य घन नन, जब संसार रूपी दावा नल है, ये दावा नल रूपी संसार है। इसलिए कहिए ऐसे के बीग है, जिस बीग में एक बार जीव अगर चले गए तो संसार से निकलना, मरने का पहला तक भी एक समस्या के बाद दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मरने से पहला तक भी कितने समस्या, कोई समस्या दूर हो, ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है कहते ऐसे कौन सा स्थान है जहां पर जाने पर फिर जीव को लौटना नहीं पड़ता, इसमें तो एक बार फंस जाओ तो निकल नहीं पाओगे, लेकिन ऐसे कौन सा स्थान है जहां जाने पर तुम पर वापस आना नहीं पड़ेगा, ये कौन सा स्थान है? बोले भगवान की जत तत्वा न निवर्तते तद्धाम परम। यहाँ पर तो संसार में पशु तो निकल नहीं सकते हो, लेकिन और ऐसे के धाम जहां जाने से जीव पर वहां से वापस नहीं आएगा, वो कौन सा धाम है? धाम है ठाकुर जी की वैकुंठ धाम, भगवान की गोलोक वृंदावन धाम है, जहां जाने से कहते ना आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन अरुमाम उपतुतु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। कहते जीव अगर पुण्य कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चले जाए वहां से भी पतन होता है, लेकिन जब एक बार जीव भगवान के धाम में चले जाए फिर दोबारा संसार आना नहीं पड़ेगा। इसका एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बोले बताओ तो पिताजी की क्या आदेश है, पिताजी के हमारे प्रति क्या आदेश है? बोले पिता तो अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा, बोले ये पिता नहीं जो परम पिता है, जो पिताजी की पिता है उनका क्या आदेश है? हम लोग बोलो, अरे बोलो भगवान की क्या आदेश है जीव का प्रति? जीव भगवान से क्या आदेश है? कौन बोलेगा पिता? भगवान ने जीव को क्या आदेश दिए बोलो, कौन बोले? हाँ बोलो बोलो, भगवान ने क्या आदेश दिया? बोले एक ही आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, बी स्मर्तव्य न जातु चिंता, सर्वे विधि निषेधा सुरतया रविकरा। बोले एक ही विधि और एक ही निषेध है, विधि समझ रहे कि एक ही जीव का कर्तव्य है और एक ही जीव का अकर्तव्य है। बोले एक कर्तव्य क्या है? बोले स्मर्तव्य सततम विष्णु, एक ही आदेश है, हर समय भगवान की याद करो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गच्छ, समस्त धर्म को छोड़ करके तू मेरे शरण में आ जा और मनमना भक्त मद भक्त भव माम जाति माम नमस्कुरु। भगवान के लिए एक ही आदेश है, भगवान की चिंतन, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा ही एक ही उनका आदेश है। बोले भैया निषेध किया है? कहते निषेध किया है? बोले एक निषेध है, पी स्मर्तव्य न जातु चिंता, कभी भी उनको भूलो मत, एक ही आदेश से ही उनका स्मरण करो, और एक निषेध है कभी भी भगवान को भूलो नहीं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा, बोले हाथ उठा करके कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम करके उसके लिए 7-8 घंटा विश्राम की जरूरत, फिर उठ जाते हैं कितना बजे? 4 बजे तो कम से कम उठना, कोई 3:30 बजे में उठ जाते हो, शरीर में रेस्ट चाहिए क्योंकि हम शरीर नहीं है, इसलिए शरीर को प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए। इसलिए जब लेट में जो खाते हैं ना, ये एक नशा का काम करना है ना, नशा का काम करना, इसलिए शरीर को उतना विश्राम देनी चाहिए। इसलिए सवेरे नींद पूरी नहीं होती, लेट में सो जाते हो, इसलिए रात का भोजन जैसे हमारे प्रभु जी कभी फल फल खा लिया होगा परमेश्वर प्रभु जी, और शाम के बार भी फल में खा लेते हैं शाम को, इसलिए रात को नहीं, इसलिए फिर सवेरे जल्दी हो, थोड़ी भूख रहेगा ना सवेरे नींद जल्दी खुलेगी, फिर हरिनाम कर सकते, इसलिए रात का जो भोजन है ना सबसे, इसलिए जैन लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर जितने डॉक्टर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लें,
क्योंकि पेड़ का जो अग्नि है वो अग्नि ही हो जाती है, अग्नि बंद हो जाती है, अग्नि ये बंद हो जाती है, अग्नि की संचिता शक्ति बंद हो जाती है। इसलिए जल जल भोजन करनी चाहिए, जब जलते उठे जाए रात में भोजन पूरा बंद कर दो, बंद कर दो। शाम को जैसे हमारे परमेश्वर प्रभु ना सवेरे एक बार बढ़िया से ले लिया, शाम को 5 बार ले लिया, रात करो दूध लेके, इसको ना भी ऐसे करते हैं। इसलिए वह जल्द जल्द उठ कर हरिनाम करते हैं, अरे यहाँ सब बैठ सब सो रहे सब आग बंद करके हरे कृष्णा। इसलिए इसलिए यहाँ का दूसरा प्रश्न क्या था, भगवान की क्या आदत है, हो गया ठीक। फिर हम शाम को सुनेंगे, ठीक है, एकादश स्कंद कथा भर शाम को सुनेंगे, अभी समय हो गया। और शाम को जो बच्चे बोलेंगे अगर बोलना चाहते हो, अगर कोई बोलना चाहते हो शाम को रेडी हो गए ना, 5 मिनट बोलना, ठीक है। पिताई गौर प्रेमानंद लिया।